मैं तारा साथी मोहित पुनिया बतामसारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई हरियाणा बोर्ड का जो 12वीं का रिजल्ट है वो आज जो बोर्ड के जो मेन हेड हैं हरियाणा बोर्ड के जो मेन हेड हैं उन्होंने घोषणा करी है वह 25 जुलाई तक जारी होगा, ठीक है। और कौन से फॉर्मूले के आधार पर किस आधार पर आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा, मतलब 10वीं के कितने परसेंट नंबर लग गएंगे, 11वीं के कितने लग गएंगे या टोटल के रिजल्ट आगे वो देख लो भाई, पूरा फॉर्मूला तैयार है। देखो भाई यो फॉर्मूला बनाया है हरियाणा बोर्ड ना भाई कि आपके 10वीं क्लास के तो 30% नंबर लिए जाए। मान लो भाई 10वीं क्लास में तारा इंग्लिश में आ रहे हैं 80 नंबर 100 में था, ठीक है, तो उसका 30% मतलब कि 24 नंबर लिए जाओगे, ठीक है। 11वीं क्लास के लिए जाएंगे 10%, मान लो भाई 11वीं क्लास में तारा 80 नंबर आ रहे हैं अंग्रेजी में तो उसका 10% यानी कि 11वीं क्लास में उसके 8 नंबर लिए जाएंगे। 12वीं क्लास में उसका 60% लिया जाएगा, ठीक से, मान लो उस टाइम भी 80 आ रहे थे वो 80 का 60% आ गया 48। फिर 12वीं क्लास के जो तारी प्रैक्टिकल है और जो इंटरनल असेसमेंट है उसके नंबर लग रहे, मान लो बता 20 के 20 लग रहे हैं, ठीक है। और फिर टोटल मार्क्स कितने बस बन गए, 10वीं के 24, 12वीं के 8 और 12वीं के 68, ठीक है, 68 में लग गए हैं प्लस 20 असेसमेंट और 48 टोटल आ रहे तारा 80 का मैदा, ठीक है। फिर इन तीस जोड़ के जो टोटल रिजल्ट बना गया तारा फॉर्मूला ऐसे मनाई। देखो शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन का बयान, नहीं हो पा रही उसके प्रीसेट नाम की तैयारी कर रहा है। आज सर्वोच्च न्यायालय में बोर्ड ने जो फार्मूला लेकर दिया था उसके बारे में कहा है कि प्रत्येक बोर्ड स्वतंत्र है, अपने निर्णय स्वयं करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी से भी हमारा बोर्ड ने जो फार्मूला दिया है वो पास हो गया है। इस बार हमें जो 12वीं की परीक्षा नहीं हो पाई उसके परीक्षा परिणाम को तैयार करते हुए 10वीं कक्षा का 30% लेंगे, 11वीं कक्षा का 10% लेंगे और 12वीं कक्षा का 60% लेंगे। क्योंकि 11वीं कक्षा का 10% इसलिए ले रहे हैं जबकि CBSE 30% ले रहा है कि पिछले वर्ष जो बोर्ड द्वारा परीक्षाएं 11वीं कक्षा में ली गई थी सभी संपन्न नहीं हो पाई थी। दूसरा जो होशियार विद्यार्थी होते हैं सामान्यतः 11वीं में के परीक्षाओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, कंप्यूटर की तैयारी करते हुए ऑब्जेक्ट के सवाल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करते, उनके अंक भी कम आते हैं। इस कारण से बोर्ड ने 11वीं के अंकों का 10% 12वीं की परीक्षा परिणाम में शामिल करने के लिए लिया है।